मॉर्निंग वॉज सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम था जिससे मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी. एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आज का जो क्लास है जीके का, वी विल डू द रिवीजन. हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे. वी विल डू द रिवीजन ऑफ फर्स्ट फाइव पेजेस. ओके, सो आई वुड लाइक द पीपल टू गिव अ क्विक रीकैप टू द पेजेस. फटाफट एक रीकैप करो उस पेजेस का, एंड देन विल डू द अर्चित. चैट नहीं करेंगे बेटा, नो चैटिंग, नो चैटिंग अलाउड इन द क्लास. चलो इसके बाद मैं आपको अनम्यूट करके आपसे क्वेश्चंस पूछ लूंगी. ओके, तो पहले हम रिवीजन करेंगे लेसन फर्स्ट फाइव पेजेस के, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ गए थोड़ा सा. हमें उतना नहीं करना था, हमें जितना समय बाकी हफेली का पोर्शन था हम लोगों ने कर लिया है. एंड नाउ विल डू द रिवीजन. ओके चलो, सो फर्स्ट वॉज यू वेर सपोज टू, मैं एक बार रिवाइज करती हूँ उसके बाद आपको बताऊंगी इसका मतलब है ना. There are many words which have same sound but different spellings, but meanings. For example, some and some. Yaad hai? S-O-M-E some. S-O-M-E some matlab kuch. And S-U some matlab addition. Ah. Similarly, they have got different spellings, but the sounds are same. Unki awaaz same. I, this is I. Ake, and I am anamikasana. So these two words have got the same sound hai, but inke meaning alag hai, inke spellings alag. Okay, to aapko isme hi do verses sounds batane. Chalo ek baar main Priyanshu Ranjan mute karu. Ek weight hai WAIT weight, dusra kaun sa weight ho sakta hai? Priyanshu unmute karo apne aap ko. प्रियांशु रंजन अनम्यूट कीजिए, नहीं हुआ. ओके, अभिषेक राज अनम्यूट करो. एक है डब्ल्यू ए आई टी वेट मतलब रुको, दूसरा और वेट क्या हो सकता है? डब्ल्यू ए आई टी वेट मतलब रुको, और दूसरा वेट डब्ल्यू ई आई जी एस टी वेट मतलब वजन. ओके, डब्ल्यू ई आई जी एस टी वेट मतलब वजन, किसी चीज का वजन, उसकी क्या उसका वॉल्यूम है, क्या उसकी वजन है. वेरी गुड. नेक्स्ट अभिनेश, अभिषेक अपने आप को म्यूट कर लेगा. के उदय, मुझे दो राइट के स्पेलिंग और मीनिंग के साथ, दो राइट बताना है स्पेलिंग और मीनिंग के साथ. राइट, डब्ल्यू आर आई टी राइट का मतलब लिखना, आर आई टी एच टी राइट मतलब सही. वेरी गुड, यस राइट राइट. आर आई जी एच राइट मतलब सही, एंड डब्ल्यू आर आई टी राइट मतलब राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स, लिखिए. वेरी गुड. वेदर एंड वेदर, अवनीश एंड शू, वेदर टू वर्ड्स. बोलो वेदर का स्पेलिंग, बोलो स्पेल आउट द वर्ड्स वेदर. बहुत खराब मौसम है, बहुत गंदा मौसम है, द वेदर इज वेरी बैड. ओके, एंड डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर वेदर, वेदर यू कम और नॉट आई विल गो टू स्कूल. आप आओ ना आओ मैं तो जरूर जाऊंगा. दे इज नॉट श्योर. ओके, श्योरिटी नहीं होती उसमें. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज इज एनीथिंग कॉमन. सेकेंड पेज देखो, कॉमन कुछ है कि नहीं. ओके, के उधर झटपट पर्दा लगा रहा है, क्या बात, दिख नहीं रहा था. ओके, वेरी नाइस. अब देखो आपके इसमें ये दिए हुए, तो मैं क्या करती हूँ, आप लोग एक काम करेंगे, क्लोज योर बुक्स, तब मजा आएगा. आप तो बुक खोल के देख रहे हैं, उदय ऐसे बैठा है बुक खोल के, सारा क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है. बुक बंद करो. उत्कर्ष पांडे, उत्कर्ष बेटा कल कहाँ थे? कल तो आप क्लास में नहीं थे. मैम मैं दो दिन से क्लास नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं कल परसों मैंने जर्नी करके दादी के आया हूँ, और कल मेरा कथा था,
इसलिए मैं नहीं कर पाया हूँ। हाँ मैं कल भी आपको ढूंढी, आप कल क्लास में नहीं, परसों मेरा क्लास आपके साथ नहीं था, बट कल I search for you but I couldn't see you. बट बेटा कहीं घूमने जाओ तो एटलीस्ट क्लासेस में आने चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस का ये तो कम से कम यू शुड। मैं घूमने नहीं गया था, मैं घूमने नहीं कथा सुनने गया था, कथा था। ओके तो जरूरी था ना इसलिए लेट हो, और लेट भी हो गया था मुझे बहुत ज्यादा। अच्छा चलो कहानी बन इसलिए नहीं कर पाया। कहानी बन, नाउ सी आई एम गोना गिव यू सम ऑप्शंस, तो क्लोज द बुक, सारे बच्चे बुक बंद करो, सारे बच्चे बुक बंद करो, एवरीबॉडी सबके सबको ही थोड़ा दूर बैठो, जैसे मेरे भी हाथ खुले खाली है वैसे आपके भी हाथ हमको कंफर्टेबल दिखने चाहिए, लाइक दिस। सारे बच्चे सीधे बैठो, यस। एक बार गैलरी व्यू में जाती हूँ तब मुझे दिखेंगे सारे बच्चे। हाँ जी तभी सही से बैठे के उदय, वेरी गुड। थोड़ा दूर दूर बैठो, मैं सबको देख पाऊंगी। हाँ जी यशस्वी ने अपना सर ऊपर कर लिया है, हाँ गुड। नाउ सब सही से बैठे, ओके। नाउ इससे मैं पूछूंगी कुछ जवाब, मैंने बोलना है चार वर्ड्स, आपको बताना है कि क्या कॉमन है ना, जैज पॉप रॉक क्लासिकल, जैज पॉप रॉक क्लासिकल। पूर्णिमा बोलो व्हाट इज कॉमन इन, पूर्णिमा बोलो, पूर्णिमा बोलो, अनम्यूट करो। यस मैम, क्या कॉमन है बेटा इसमें, दीज आर व्हाट। पूर्णिमा तुम्हारे साथ कल भी मैंने यही चीज बताई थी, मैं फिर आज आपको बता दूं, आप लोग मोबाइल के साथ छिड़कानी बंद करो। आपको एक बार अनम्यूट करने बोला गया, आपने दो बार क्लिक कर दिया, आप वापस से म्यूट हो गए। उत्कर्ष बोल दो, आप अनम्यूटेड हैं। व्हाट इज इट, व्हाट इज जैज पॉप रॉक क्लासिकल। मैम ये सब म्यूजिक्स है, दीज आर द म्यूजिक्स, यस जैज म्यूजिक होता है, पॉप म्यूजिक। और जैस्मिन एक फ्लावर का नाम है। अच्छा चलो कहानी यहाँ तो उत्कर्ष के पास बहुत है, एक क्वेश्चन पूछो देन आंसर देगा। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अरबिक्स योगा सिटअप्स एंड पुशअप्स, दीज आर व्हाट इज कॉमन अबाउट इट। अंजलि बोलो, अंजलि बोलो, एक्सरसाइज। हम म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज एरोबिक्स। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, लियो पीसेस लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, सत्यम प्रियदर्शी बताएगा व्हाट इज कॉमन अबाउट इट, क्या कॉमन है। सत्यम प्रियदर्शी अनम्यूट करो, लियो पीसेस लिब्रा एंड स्कॉर्पियो क्या है बेटा ये बोलो, क्या है सत्यम, अनम्यूटेड हो जल्दी बोलो। अवनीश बोलो, अवनीश अंशु बोलो। मैम जो जो सो जो क्या है, व्हाट इज सो जो, जोडियक साइन, जोडियक साइन, राइट, दे आर द जोडियक साइंस, ये जोडियक साइंस हैं। आपको पता होगा हमारे जन्म के अनुसार, हमारे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हमारी राशियां होती हैं, हिंदी में भी होता है कुंभ राशि, मीन राशि, तुला राशि, वैसे ही इंग्लिश में वही है, लियो पीसेस लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। अग्रज संत हमारे साथ अनम्यूटेड है, आप मुझे बताओ, डेंटिस्ट साइकियाट्रिस्ट एंड जनरल फिजिशियन, दीज आर ऑल, हम किन की बातें कर रहे हैं, हम किन की बातें कर रहे हैं। मैम डेंटिस्ट, मैम डेंटिस्ट, अग्रज क्वेश्चन को सुनो, दीज आर ऑल अ कैटेगरी जिसमें डेंटिस्ट भी आता है, साइकियाट्रिस्ट भी आता है, जनरल फिजिशियन भी आता है, हम किन की बात कर रहे हैं। मैम डॉक्टर,
यस वेरी गुड. हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं. डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिस्ट दिमाग का डॉक्टर होता है, एंड जनरल फिजिशियन जो जनरली हमें सर्दी बुखार जुकाम वगैरह हो तो उनके पास जाते हैं. राइट ओके नेक्स्ट. म्यूट करो अग्रज क्योंकि तुम बात करते रहते हो. रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप निबल, रुद्र प्रताप अनम्यूट करो. रुद्र अनम्यूट करो. हाँ निबल. यस मैम. निबल मंचिंग च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट मैम? वेज ऑफ ईटिंग. या वेज ऑफ ईटिंग. हम लोग शाम को कुछ मंचिंग कर लेते हैं, हम निबल करते हैं, च्यू करते हैं एंड स्वॉलो करते हैं. दीज आर द वेज ऑफ ईटिंग. वेरी गुड ओके नेक्स्ट. अब आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स. आई शैल बी टेलिंग यू द नेम्स ऑफ द बुक्स. यू हैव टू टेल मी द नेम्स ऑफ द ऑथर हु रोट इट. अगेन आई वुड चेक दैट एवरीबॉडी इज विदाउट बुक्स. मुझे बुक के साथ कोई दिखना नहीं चाहिए. बोला नहीं है बेटा. आप अनम्यूटेड है तो आपको और सोचना चाहिए कि बात ना हो, है ना? ओके आई शैल बी टेलिंग यू द नेम ऑफ द बुक. बुक की नाम मैं बताने वाली हूँ एंड यू विल टेल हु हैज रिटन दिस. यानी यू हैव टू टेल अबाउट द ऑथर्स. सही है? आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? ओके हम सब दे रहे हैं बहुत बड़े बच्चे. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम आदित्य राज कोसी. अच्छा सात्विक क्वेश्चन बोलो. सात्विक हु रोट एलिस इन वंडरलैंड? हु रोट एलिस इन वंडरलैंड? सात्विक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यू आर अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करोगे तो ही बोल पाओगे ना. हाँ मैम लुईस कैरोल. दैट इज लुईस कैरोल. राइट आंसर. नेक्स्ट नेक्स्ट हैरी पॉटर. यशस्वी गौतम हैरी पॉटर. हु रोट हैरी पॉटर? ओए होए क्वेश्चन नहीं याद है यशस्वी को. आदित्य तुम कहां भाग गए? I cannot see anybody in the room. मुझे सिर्फ घर दिख रहा है तुम्हारा. सही करो उसे. अपने पास अब क्लास में आओ. प्रतिज्ञा राज बोलो. हैरी पॉटर. प्रांजल चंद्रा. Who wrote हैरी पॉटर? प्रांजल अनम्यूट करो. Who wrote Harry Potter? मैम इट इज जेके राउलिंग. ओके ठीक है. यानी बुक्स एंड ऑथर्स आपको याद नहीं है. बहुत सारे बहुत बच्चों का कम हाथ आया है इसमें. सो यू नीड टू लर्न दिस बुक्स एंड ऑथर्स. ठीक है चलिए तो ये पेज को मैंने आपको होमवर्क दिया आज. यू हैव टू लर्न दिस books and authors. Last page kar rahe revision with values and wisdoms. With values and wisdom. What is this page about? Is page mein kya karna hai? Suno, listen to me first. What is this all about? Kyunki saath ye bahut bada problem hai. Aapko bola ja agar aapko unmute kiya gaya beta log, aap log just keep one thing in your mind. If you are unmuted in the class, it is your complete responsibility to see there is no sound coming from your side. Hai na? Agar aapko unmute kiya gaya hai, aap baatein kar rahe hain, aap disturb kar rahe hain, to teacher bhi distract ho jata hai. To baar baar ye cheez bola jata hai ki don't talk in the class. Class mein baatein na karo. Okay, the last page of revision ka hai, where with values and wisdoms. With values and wisdom. There are some, what do we say? विजम सेइंग. कुछ विजम सेइंग से आपको उसको देखना है, सुनना है और बोलना ये किसके बारे में, क्या है इसका मतलब. कहते हैं ना आप जैसे वेल बिगन इज हाफ डन. हमने किसी काम को बहुत अच्छे से शुरू किया तो आधा वही हो गया.
start work properly. Start work properly. Next, tomorrow never comes. Iska kya matlab hota hoga? Ambujanan. What do you think it means? Ambuj, unmute karo. Unmute karo. Tomorrow never comes. Unmute karo. हम कहते हैं ना कि मैम आज नहीं किया, we'll do it tomorrow, कल कर लेंगे. Tomorrow never comes, इसका मतलब क्या है? बुझ, आप अनम्यूट कर लें. कल कभी नहीं आता. कल कभी नहीं आता. इसका इंग्लिश में अगर हम कुछ बताना हो तो live for today, आज पे दिया विश्वास करो. आज पे विश्वास करो. लिव फॉर टुडे. इसमें हिंदी में कहावत है, कल करे सो आज, कल आज करे सो अब. पल में पड़ रहे होगी बहुरी करेगा कब. कल कभी नहीं आता. हम कल करेंगे, कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ सकते. सो टुमारो नेवर कम्स. कोई कहता है ना कि हम ये काम कल करें. मैम होमवर्क नहीं बनाया. अरे व्हाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क. मैम फॉरगॉट टू कंप्लीट. मैम विल डू इट टुमारो. जान के रखे हम कोई काम को कल पे छोड़ेंगे तो काम कभी नहीं होने वाला. So we should always live for today. Every cloud has a silver lining. इसका क्या मतलब हो सकता है? Every cloud has a silver lining. कौन बोलेगा? Raise your hand. यशवर्द बोलेगा. बोलो यशवर्द. Every cloud has a silver lining. Vishwet, aap unmuted hai beta. Every cloud. Bolo. Ma'am. Aap bolo. I find the class late. Yeah. Vishwet, bolo. लेट से ज्वाइन किया, नो प्रॉब्लम. बट मुझे बताएं, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या होता है? हमारी दुख की घड़ी में हमें घबराना नहीं है. वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. हमें हर चीज में पॉजिटिव सोचना है. वी हैव टू टेक द थिंग्स पॉजिटिवली. ओके,